पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफा 144 का नफाज खत्म कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा दाखिला ने गुज़श्ता रोज शहर में जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी लगाई थी। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफा 144 का नफाज खत्म कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बारे मजीद क्या तफसीलात हैं, हसन रजा से जानते हैं। हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जो गुज़श्ता रोज लाहौर में जलसे, जुलूस, रैलियां निकालने पर जो है वो पाबंदी आई थी, उस हवाले से आज जो है पंजाब हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन विदड्रॉ करते हुए बाकायदा नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें वाजह तौर पर लिखा गया है कि जो गुज़श्ता रोज का नोटिफिकेशन था जिस पर दफा 144 नाफिज की गई थी, उसको नोटिफिकेशन को वापस लिया जाता है। अब दफा 144 से पाबंदी हटा ली गई है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत की जो अब तक एक नोटिफिकेशन की हिकमत अमली तो यही समझ में आती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को जो है वो ना निकालने के हवाले से प्लानिंग थी, क्योंकि कल अगर एक तरफ वुमेन डे के हवाले से मार्च भी किए गए, दूसरी जानब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को जो है वो ना निकालने के हवाले से भरपूर तरीके से कल हमने देखा कि लाहौर पुलिस जो है वो इन एक्शन दिखाई दी। उन्होंने खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनान पर तशद्दुद भी किया, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई और इस तरह के जो है वो संगीन जो है वो हालात खराब होते हुए भी देखे। लेकिन अब जब ये मामला गुजर गया, रैली खत्म हो गई, ये नहीं निकाली जा सकी और आज जो है अदालत में जब ये मामला गया तो वहां पर एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से ये बताया गया कि वो नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। अब पंजाब में यानी लाहौर में दफा 144 पर पाबंदी जो लगाई गई थी वो खत्म हो गई है। अब नोटिफिकेशन किस सिचुएशन को देखते हुए जारी किया गया था और पहले किन बुनियादों पर जारी किया गया, हुकूमत इस हवाले से कोई जो है वो एक मुस्तरद किस्म का जवाब देने से कासिर ही दिखाई देती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।